बात क्या है। कई बार लोग मनगढ़ंत जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाए वो मनगढ़ंत बातों का सच तो अब सामने आएगा, जैसे कि 2014 में कि हम भैया 15-15 लाख तक काला धन आ जाएगा, ऐसे मनगढ़ंत कैंपेन भी बीजेपी चला देती है और उसके मास्टर हैं। तो मनगढ़ंत कैंपेन में भी कई बार अनेकों बार आ जाते हैं, उसका बाद में पछतावा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे थे हमने योजनाएं दी हैं, गारंटी दी है, तभी योजनाएं गारंटी और जमीन पर उतरी तभी हमारे जिले में 3 में से 3 सीट आई 46 साल के बाद में। तीनों सीटें वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया 46 साल के बाद में। तो योजनाएं भी दी और जमीन पर भी उतरी है और सामान्य अशोक गहलोत जी ने देश में नंबर एक मुख्यमंत्री होने का मॉडल भी पूरे देश के सामने पेश किया है। तमाम सर्वे कराए गए सर, सर्वे में पहले की तरह जैसे विपक्ष में थे उस टाइम अशोक चांदना सड़कों पर लड़ाई। मैं आपको कह रहा हूं, जनता ने विपक्ष का विपक्ष में रहकर उनके मुद्दे उठाने की जो जिम्मेदारी दी है उसमें पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ में मुद्दे उठाएंगे और जो सरकार में रहेंगे उनकी आंखें खोलने का, जनता के मुद्दों को उनके सामने मजबूती से रखने का काम करेंगे। सर आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा सर, मैं आपका अंतिम है, बाकी सबका अंतिम। मैं अपना अंतिम एक सवाल, ये नेगेटिव रिपोर्ट आई थी एमएलए और मंत्रियों की, नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, एसएसए ने सर्वे करवाए, गोविंद डोटासन ने अपने स्तर पर सर्वे कराया, अशोक गहलोत ने सर्वे कराया, लेकिन फिर भी टिकट मिला और उन्होंने आपको दी, उन्होंने 17 मंत्री चुनाव हार गए। गहलोत साहब के पास और डोटासरा जी के पास जो रिपोर्ट आई उन्होंने आपसे शेयर करी? खबरें तो बार आई जाती है, आपसे शेयर करी क्या? गारंटी क्या इसकी? आप मान लो यूं कह दो तो मैं कैसे कहूँ सर? ये तो रिपोर्ट सर्वे के बाद सूत्रों की बात है, तो लड़ाई में कहीं नहीं कांग्रेस पीछे रहेगी। आपके एक विधायक ने ये कहा कि 25 सितंबर की अगर घटना नहीं होती तो पार्टी सत्ता, उन्हीं से पूछिए ना जो वो बोल रहे हैं। मैं तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं क्या सोचकर समझकर कह रहा हूँ, मैं उसका कह सकता हूँ। यदि कोई दूसरे सामान्य विधायक कुछ कहते हैं तो उनका मुझे क्या पता उन्होंने कैसे कहा है, क्या सोचकर कहा है। ऐसे तो कई लोग अभी पार्टी जीती तो श्रेय लेने सबसे आगे आगे भागते, अब कई लोग कुछ सीटें चंद कम आ गई, 20-25 सीटें कम आ गई, तो उसकी गलती है। तो सबसे आसान काम है करना, इससे पार्टी का तो कहीं भी फायदा नहीं होता। सामूहिक चुनाव लड़ी पार्टी, सामूहिक जीत होती तो सामूहिक पटाखे फोड़ते और कुछ सीटें चंद कम रह गई तो सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसमें क्या बात है। ठीक है।